टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर में कोरोना संक्रमण भले ही कम हुई है, कई बार जीरो तक भी पहुंच गया है, मगर कोरोना चेक कराना बहुत ज़रूरी है। एनसीपी के कलवा मुंब्रा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान के ऑफिस पर RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है और ये कोविड टेस्ट बिल्कुल फ्री है। आमतौर पर इस चेकअप का 2000 रुपये खर्च लगता है, मगर यहाँ फ्री में चेकअप किया जा रहा है। गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड भी इस कैंप में जायज़ा लेने के लिए पहुँचे और इस दौरान बताया कि कोरोना का खतरा कम ज़रूर हुआ है, मगर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। स्कूल कॉलेज शुरू होने वाले हैं, ऐसे में कोविड की जाँच करना बहुत ज़रूरी है। टीचर स्टूडेंट हर कोई इस कैंप में जाँच करवा ले। 8 दिन तक यानी कि रविवार को छोड़कर और 8 दिन ये कैंप लगेगा। इस दौरान गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड और शमीम खान और जांच कराने आई महिलाओं ने क्या कुछ कहा है सुनिए। कांग्रेस के माध्यम से कोविड टेस्ट का कैंप रखा गया है, जिसका खर्चा 2000 के ऊपर आता है। वो टेस्ट कुछ दिनों के लिए यहाँ पार्टी ऑफिस में हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब के नेतृत्व में मुफ्त में करने का काम चालू है। अब स्कूल शुरू हो जाएंगे, बच्चे लोगों को कोविड टेस्ट कंपलसरी की गई है, टीचर्स को टेस्ट कंपलसरी की गई है। जिसको जिसको लगता है कि टेस्ट करने की आवश्यकता है वो यहाँ पे आके अपनी RT-PCR टेस्ट करवा ले, ताकि अपने को भी सुकून होगा कि हम कोविड से बाधित नहीं है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधानसभा कार्यालय ऑफिस पे हमारे नेता माननीय डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के नेतृत्व में आज का ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें अब तक 52 लोगों ने अपना स्वाब दिया यानी COVID-19 की रिपोर्ट किया, और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि उनकी वो रिपोर्ट निगेटिव आए। अल्लाह ना करे कभी कुछ लोगों की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव भी आती है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए उसका पर्याय हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ने कोविड का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर फ्री ऑफ चार्ज रखा है। नंबर दो, अब तक 103 लोगों के फॉर्म भरे गए हैं और बाकी के लाइन से अभी सबका टेस्ट चालू है। ये कैंप आज सुबह 11:30 बजे स्टार्ट किया गया, शाम चलेगा 5 बजे तक। नेक्स्ट वीक में मंडे टू सैटरडे चलेगा 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक। स्कूल कॉलेज चालू होने वाले हैं और तमाम लोग जानते हैं कि उसके लिए गाइडलाइंस आई है कि टीचर्स के और जो भी अगर वो मदरसा है तो वहाँ के उलमाए कराम या जो भी स्टूडेंट्स यानी जो भी स्कूल क्लासेस है वो सब के लोगों के लिए, पूरे शहरवासियों के लिए ये जो कैंप है वो फ्री ऑफ चार्ज रखा गया है। जी, हमने कोरोना चेकअप करवाया RT-PCR। हम लोगों को शुरुआत में बहुत तकलीफ हो रही थी, डर लग रहा था, दहशत के पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट हमारा जो माइंड था फ्रेश हो गया कि मतलब अगर है भी तो भी हमको पता लग जाएगा, नेगेटिव हो तो भी और पॉजिटिव हो तो भी, और ये कराना कोई मतलब गलत नहीं है, एक तरह से सही है, क्योंकि हमारी फैमिली के लिए भी ये बेटर होगा और हमारे खुद के लिए भी बेटर होगा।